विपिन चौधरी'स लैप्स ऑफ मेमोरी। बिफोर यू रीड, विपिन चौधरी का याददाश्त का खो जाना। डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी अच्छी है? क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपको धोखा दिया है? फॉरगेटफुलनेस often puts you in a tight spot. भुलक्कड़पन अक्सर आपको मुश्किल स्थिति में डाल देता है. But forgetting a part of your life completely may drive you crazy. पर जिंदगी का एक हिस्सा पूरी तरह से भूल जाना आपको पागल कर सकता है. In this story, विपिन बाबू goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. इस कहानी में विपिन बाबू लगभग पागल हो जाते हैं क्योंकि वो रांची में अपने ठहराव को याद नहीं कर पाते हैं. He has never been to Ranchi. He insists. Though there are many witnesses to the contrary, वो जोर देकर कहते हैं कि वो रांची कभी नहीं गए हैं. इसके विपरीत कई चश्मदीद हैं. What is the suspense all about? आखिर क्या है सस्पेंस? Every Monday, on his way back from work, विपिन चौधरी would drop in at काली चरण इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स. हर सोमवार को अपने शॉप अपने वर्क से वापस आते हुए विपिन चौधरी काली चरण के यहाँ जाते हैं न्यू मार्केट में किताबें खरीदने के लिए. काली चरण के यहाँ मतलब काली चरण के दुकान में, इस तरह से भी इंग्लिश में कहा जाता है जैसा कि हम हिंदी में भी कहते हैं. Crime stories, ghost stories and thrillers. Crime stories, भूतिया कहानी और रहस्यमय कहानी. He had to buy at least five at a time to last him through the week. वो एक बार में कम से कम पांच किताबें खरीदते हैं जो एक सप्ताह तक चले. He lived alone. Was not a good mixer, had few friends and didn't like spending time in idle chat. वो अकेले रहते थे. बहुत अच्छे मिलनसार नहीं होने के कारण उनके कुछ ही दोस्त थे और वो अपना समय फालतू की बातचीत करने में गुजारना पसंद नहीं करते थे. Today at काली चरण, विपिन बाबू had the feeling that someone was observing him from close quarters. आज काली चरण के यहाँ विपिन बाबू को फील हो रहा था कि कोई उन्हें नजदीक से देख रहा था. He turned round and found himself looking at a round fist. वो मुड़े और देखे कि और खुद को एक गोल चेहरे को देखते हुए पाए. यहाँ पर बात थोड़ा सा घुमाकर लिखा गया है. कहने का मतलब है कि जब वो मुड़े तो उनको एक गोल चेहरा मिला. मीक लुकिंग मैन, विनम्र दिखने वाला आदमी. हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, जो अब अचानक से मुस्कुरा दिया. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता है आप मुझे जानते हैं, आप मुझे पहचानते हैं. ये भी हो सकता है, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना होता है, उसको जानना भी कैसे कहा जाता है. हैव यू मेट बिफोर, क्या हम पहले मिले हैं? आस्क्ड विपिन बाबू, विपिन बाबू ने पूछा. द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, आदमी बहुत हैरानी से देखा. We met every day for a whole week.
हम हर दिन पूरे एक सप्ताह तक मिलते थे। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हैड्रू फॉल्स। मैं आपके लिए कार का अरेंज किया था हैड्रू फॉल्स ले जाने के लिए। रांची में हैड्रू फॉल्स है एक झरना जिसको हैड्रू फॉल के नाम से भी जाना जाता है। दोनों एक ही चीज है, हैड्रू फॉल्स या हैड्रू वाटरफॉल। इन 1958 इन रांची, 1958 में रांची में, जो कि झारखंड में है रांची। माई नेम इज परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है, उस आदमी ने कहा, यानी इस आदमी ने। रांची क्वेश्चन मार्क, यानी ये पूछ रहे हैं रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। अब बिपिन बाबू को रियलाइज हुआ कि ये वो नहीं थे बल्कि वो आदमी था जो गलती कर रहा था। यानी मुझसे गलती नहीं हो रही है, गलती तो इस आदमी से हो रही है, ये बिपिन बाबू को समझ आ गया। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए। अच्छा, हैड नेवर बीन, जो कि नेवर है कभी नहीं तो ठीक है, लेकिन हैड बीन या हैव बीन, तो हैड बीन का मतलब होता है कि जाकर आए थे, हैव बीन जाकर आए हैं, इस तौर पर भी हैड बीन या हैव बीन का यूज होता है। He had been at the point of going several times, but never made it. वो कई बार जाने के कगार में थे, लेकिन कभी जा नहीं सके। He smiled and said, वो मुस्कुराए और बोले, Do you know who I am? क्या आप जानते हैं कौन हूँ मैं? The man raised his eyebrows, bit his tongue. And said, वो आदमी अपने आईब्रो को उठाया, अपने जीभ को दांतों से काट लिया। ये बाइट का पास्ट है बीट, यानी कि वो जबान बाहर निकाल कर जो दांतों तले दबा लेते हैं ना, आईब्रो उठाकर हैरानी से वो चीज बताया जा रहा है। डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूं? हु डजंट नो बिपिन चौधरी, कौन नहीं जानता है बिपिन चौधरी को? बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक्स, बुक शेल्फ्स एंड सेड। बिपिन बाबू अब बुक शेल्फ्स की तरफ मुड़े और कहे, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अब भी आप गलती कर रहे हैं। वन ऑफेंडर्स, ऐसा अक्सर होता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, वो आदमी अब जोर से हंसा। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हड्रू एंड कट योर राइट नी, आप हड्रू गए थे और आपके घुटने में कट लगा था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेदर हार्ट द नेक्स्ट डे, बट यू कैन नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। मैंने आपके लिए अगले दिन कार फिक्स किया था नेदर हार्ट जाने के लिए, पर आप नहीं जा सके थे क्योंकि आपके घुटने के दर्द के कारण। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ याद नहीं आ सक रहा है? समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कोई और भी है जिसे आप जानते हैं जो रांची में उस समय था? मिस्टर दिनेश मुखर्जी यू स्टेड इन अ बंगलो। मिस्टर दिनेश मुखर्जी यानी कि वो भी थे साथ में, जो कि जिनको आप जानते हैं, यानी आप पूछ सकते हैं उनसे भी, कहने का ये मतलब है। आप बंगलों में रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ, आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, आप अपना खाना
किसके हाथों का? कुक्ड बाय अ बावर्ची। आप बावर्ची के हाथ का पका हुआ खाना पसंद करते हैं या पसंद करेंगे। वुड पसंद करने के तौर पर आई वुड लाइक टू ऐसा कुछ होता है ना, यू वुड लाइक, यू वुड प्रेफर। प्रेफर का मतलब होता है किसी चीज के बदले किसी चीज को पसंद करना। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रुके थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? आपके बीच एक बड़ी सी बहस हो गई थी चांद पर लैंडिंग को लेकर, क्या आपको याद है? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको कुछ और भी बोल बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सींग ट्रिप। आप हमेशा अपने साथ किताबों से भरा बैग कैरी करते थे अपने सैर सपाटा के टाइम में। साइट सींग ट्रिप का मतलब होता है कहीं कोई चीज देखने जाना, जैसे कि हड्रू फॉल जा रहे हैं चलो देखने, तो उस टाइप का जो सैर सपाटा होता है, चलो ताजमहल देखने जाते हैं, कहीं भी ऐसा कुछ देखने जाना, कोई दृश्य कोई नजारा देखने जाने के लिए, तो उसको साइट सींग ट्रिप कहते हैं। एज आई राइट सॉरी एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूं या नहीं? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। विपिन बाबू धीरे से बोले, उनकी किताब उनकी नजरें अब भी किताबों पर थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, कौन सा महीना जिसके बारे में आप बात करते हैं 58 में? द मैन सेड अक्टूबर, उस आदमी ने कहा अक्टूबर। नो सर सेड विपिन बाबू, विपिन बाबू ने कहा नहीं सर। आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, मैंने 58 में कानपुर में पूजा में अपना दोस्त के साथ मैंने एक्सपेंड किया था, यानी कि मैंने समय गुजारा था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप मिस्टेक कर रहे हैं। गुड डे, आपका दिन शुभ हो। बट द मैन डिडंट गो नोर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, पर वो आदमी नहीं गया ना ही बोलना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, बहुत हैरानी की बात है, बहुत अजीब या बहुत हैरानी की बात है, ऐसे कहते हैं वेरी स्ट्रेंज। एक शाम मैं आपके बंगलो के बरामदा में आपके साथ चाय पिया था। हैड, ये हैव और हैड जो होता है वो किसी चीज को चाय पीने वगैरह खाना खाने वगैरह के लिए भी यूज होता है, ये वो वाला हैड है। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आप अपने फैमिली के बारे में बताए थे। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 इयर्स अगो, आपने बताया था कि आपके बच्चे नहीं हैं और आपने 10 साल पहले अपनी पत्नी को खो दिया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सैन, विच इज वाई यू डिडंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, आपका इकलौता भाई पागल होकर मरा था, इसी कारण से आप मेंटल हॉस्पिटल रांची पे घूमने जाना नहीं चाहे, क्योंकि रांची का जो मेंटल हॉस्पिटल है वो बहुत फेमस है। व्हेन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वाज लीविंग द शॉप, द मैन वाज स्टिल looking at him in utter disbelief. जब विपिन बाबू ने किताबों के लिए पेड किया और शॉप से जा रहे थे, वो आदमी अब भी completely surprised होकर उनको देख रहा था, यानी बिल्कुल हैरानी होकर, utter disbelief यानी complete surprise, पूरी तरह से हैरान होकर। फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।